बड़वानी पुलिस द्वारा योजनाबद्ध तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने ग्राहक बनकर 25,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन का सौदा किया और जैसे ही आरोपी सामने आए पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बड़वानी पुलिस ने ऐसे दो शातिर युवकों को गिरफ्तार किया है जो 3400 रुपए के रेमडेसिविर इंजेक्शन को 25,000 रुपए में बेच रहे थे। फिलहाल पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये कल SP श्री निमिष अग्रवाल सर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बड़वानी में जो श्री गुरुपद हॉस्पिटल है इसके सामने एक लड़का जो खड़ा हुआ है और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने का दावा कर रहा है ब्लैक में अधिक कीमत पर, उस सूचना पर तत्काल SP साहब ने एक टीम बनाई थी और टीम को वहाँ पर तस्दीक के लिए भेजा था। जो पुलिस का ही एक जवान है जिसको हमने कस्टमर बनाकर जब भेजा वहाँ पर, तो जो संदिग्ध था जिसका नाम विनय रजक निवासी राजपुर था, उससे जब संपर्क किया गया तो उसने बोला कि इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध हो जाएगा लेकिन इसमें 25,000 रुपये लगेंगे। तो 25,000 रुपये लेके जब आरक्षक उसके पास गया तो उसने तत्काल जो है वो 25,000 रुपये रखे अपने पास और उसके बाद वो गुरुपद हॉस्पिटल में अंदर गया और वहाँ से फिर एक इंजेक्शन लेकर वापस आया। जैसे ही वो इंजेक्शन लेकर वापस आया विनय रजक, तो टीम में जो अधिकारी थे सब इंस्पेक्टर लखन सिंह बघेल और आरक्षक और सारी टीम के जो मेंबर थे उन्होंने उसको वहीं पे प्रीतम दुबे और सभी ने उसको वहाँ पकड़ लिया। जब पकड़ के उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में उसने बताया कि अंदर जो फार्मासिस्ट है राहुल बड़गुजर नाम का, इसने ये इंजेक्शन उपलब्ध कराया है। उस आधार पर राहुल जो फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर पर बैठा हुआ राहुल बड़गुजर था उसके पास जाकर उससे भी पूछताछ की गई, जो उसने बताया कि अभी ये इंजेक्शन इसने कलेक्टर ऑफिस से प्राप्त किए थे मरीजों को लगाने के लिए। इसमें एक अखिलेश सोनी निवासी डेहरी था उसके लिए दो इंजेक्शन मिले थे जिसको लगने थे, लेकिन उसमें से एक इंजेक्शन अखिलेश सोनी को लगाया गया था 29 अप्रैल को और उसके बाद उसी दिन अखिलेश सोनी को गंभीर बताते हुए इन्होंने अस्पताल ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया था। लेकिन उसका जो इंजेक्शन बचा था वो इंजेक्शन नियम से जो है इस राहुल बड़गुजर को वापस शासन को लौटाना था, लेकिन उन्हें शासन को ना लौटाते हुए इसका सौदा 25,000 रुपये में करके बेचने लगा। उस आधार पर आरोपी जो राहुल बड़गुजर है और विनय रजक, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। उनके पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन और 25,000 रुपये को जब्त करके अभी इसमें प्रथम दृष्टया जो है अपराध धारा 420, 409 और 470, 471 का पंजीबद्ध करके साथ में धारा 53, धारा 57 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है और दोनों पुलिस हिरासत में है। अभी इनसे और पूछताछ की जा रही है।